इट्स मी सागर फ्रॉम लाइट अप एशिया नेपाल। तो गाइस आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल द SB07 लाइफस्टाइल में। गाइस आप सभी के लिए आज का एक और ब्रांड न्यू वीडियो लेकर आ चुका हूँ। आप सभी को बता दूं यार, मैंने अभी तक मेजर गौरव आर्या जी का वीडियो कभी भी रिएक्ट नहीं किया क्योंकि उनका वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, इसीलिए मैंने अभी तक यार रिएक्ट नहीं किया। लेकिन कुछ दिनों से मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर भाई मुझे सजेस्ट कर रहे थे, भाई मेजर गौरव आर्या जी का वीडियो रिएक्ट कीजिए, उनका वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है कहकर मुझे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर भाई बोल रहे थे। तो आप सभी का गुजारिश पर उन्हीं का वीडियो लेकर आ चुका हूँ यार। और आज का वीडियो का टॉपिक है मेजर गौरव आर्या सोच मीरो टू पाकिस्तान। तो दोस्तों देखते हैं यार, वीडियो का टॉपिक तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और वीडियो अभी अभी आया है तो मैंने सोचा कि झटपट से आपके सामने इसको रिएक्ट किया जाए। तो दोस्तों एक छोटा सा गुजारिश करना चाहता हूँ आप सभी के सामने, अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो ना तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना यार, वीडियो को आधे पर छोड़कर मत जाना क्योंकि मेरे चैनल का जो ग्रोथ है वो रुक गया है, इसीलिए वीडियो पर ना ही तो व्यूज आ रहे हैं ना ही तो ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं पहले की तरह, क्योंकि आप सभी को तो पता ही होगा मैं जॉब भी करता हूँ और उसमें से टाइम निकाल कर आप सभी के लिए वीडियो भी डालता हूँ। तो इतना एक भाई का ख्याल रख देना यार, वीडियो को पूरा का पूरा देख देना, अगर हो सके तो दोस्तों के साथ फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए, वीडियो ज़्यादा लंबा है तो वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। आपके रगों में जहर घोल रखा है ISPR ने। पुराने जो ISPR के DG थे उनके कुछ बच्चे पढ़ते हैं जर्मनी में, सेटल्ड हैं, और कुछ बच्चे उनके हैं लंदन में, और खुद जनाब एक डिव कमांडर, आप बात बताइए मुझे, छोटी सी बात, उनके बच्चे पाकिस्तान में क्यों नहीं है? अजमल कसाब जो इंडिया में आया था, इतना कत्लोगारत करी थी उसने मुंबई में, वो तो गरीब घर का बेटा था अजमल कसाब, यहां पर उसको फांसी लग गई इंडिया में आके। लेकिन जिन जर्नैलों ने अजमल कसाब को भेजा था उनके बेटे कहाँ? उनके बेटे तो जर्मनी में बैठे हैं, इंग्लैंड में बैठे हैं, कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वो मजे कर रहे हैं क्योंकि आप लोग सवाल नहीं पूछते। दोस्तों बहुत एक सोचने वाली बात है, आपके मोटरवेज गिरवी रख दिए, आपके फ्रीवेज गिरवी रख दिए, आपके बिल्डिंग्स गिरवी रख दी, ठीक है, आपके एयरपोर्ट्स हैं, आपके इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के एयरपोर्ट गिरवी रख दिए, आपके F9 इस्लामाबाद का पार्क गिरवी रख दिया, और ये तो छोटी बात है, आपकी गैरत, आपकी इज्जत भी गिरवी रख दी। मैं आपने किस मुल्क में ऐसा देखा है? आपने किस मुल्क में ऐसा देखा है ऐसे होते हुए? बड़ा बड़ा ऐलान होता है आपके टेलीविजन सेट्स पे कि मैं कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि हमें $2 बिलियन का लोन मिला है, कर्ज मिलने पर कोई मुबारकबाद पेश करता है? कहां जा रहे हैं आप लोग? हाय, दिस इज मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि फौरी तौर पर सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, मैं आपको सलाम पेश करता हूं और आज मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि वादा करा था हफ्ता भर पहले कि मैं आपके सामने कुछ हकाइक पेश करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके मुल्क में हो क्या रहा है। आपके मुल्क को जितनी बुरी तरीके से पाकिस्तानियों खुद ने रगड़ा है, जिस तरीके से पाकिस्तानी हुक्मरान जो आपके अशराफियां हैं उन लोगों ने जिस तरीके से आप लोगों की बिल्कुल जिसको कहते हैं बेइज्जती करी है कि कहीं पे आप शक्ल दिखाने के लायक नहीं रह गए, ये हकायक मैं आपसे रूबरू कराऊंगा आज, और आपको पता होना चाहिए कि आपके मुल्क में हो क्या रहा है। परवेज़ मुशर्रफ साहब आपके मिलिट्री डिक्टेटर भी थे, आपके प्रेसिडेंट भी थे, आपके आर्मी चीफ भी थे, और कुछ 10-11 साल के लिए खुदा भी थे। तो वो उन्होंने जो कुछ करा, नवाज शरीफ की सरकार को बर्खास्त करा, जो भी था, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात जो उन्होंने करी, उन्होंने 3,000 से ज़्यादा मासूम पाकिस्तानियों को बेच दिया। जी आपने सही सुना, उन्होंने 3,000 पाकिस्तानियों को अमरीकनों को बेच दिया। कोई कबाब वाला, कोई कारपेट बेचने वाला, कोई छोटा मोटा दुकानदार, कोई रेड़ी चला रहा है, कोई रिक्शा वाला, इन सब के माथे पर लगाया स्टैंप, एक ठप्पा लगा दिया माथे पर, टैटू कर दिया अलकायदा का है, और अलकायदा
का बता के उसको बेच दिया और पैसे कमा लिए। सिर्फ पैसे ही नहीं कमाए, अगर वहां तक बात होती तो एक बात समझ में आती कि ठीक है लालची आदमी है, पैसे कमा लिए, उसके बारे में डींगे यहां की कि साहब मैं बेच सकता हूं पाकिस्तानियों को, आई कैन सेल पाकिस्तानीज, और मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये किया है परवेज मुशर्रफ ने। आप पढ़िए उनकी किताब इन द लाइन ऑफ फायर और उनके जो YouTube में वीडियोस हैं, बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि साहब मैंने दिए थे, मैंने 3000 से ज़्यादा पाकिस्तानी शहरी बेच दिए थे परवेज मुशर्रफ ने, है ना। अब परवेज मुशर्रफ बाहर बैठे हैं, कभी दुबई में पाए जाते हैं, कभी लंदन में पाए जाते हैं, कभी अमेरिका में पाए जाते हैं। आपने तो कभी सवाल नहीं पूछा, आपने कभी सवाल नहीं पूछा और आपकी मीडिया सवाल पूछ सकती नहीं है, है ना दोस्तों। अब हिंदुस्तान में ये किसानों के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, फार्मर्स के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अब सही है या गलत है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे किसानों को अपनी आवाज़ उठाने का हक है। सरकार अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, वो भी एक अलहदा बात है, लेकिन यहाँ पे लोग सड़क पे आ सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आपके यहाँ सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ जैसे PDM के जलसे हैं, यही हो सकता है। मैंने तो कभी नहीं देखा आम पाकिस्तानियों को हज़ारों लाखों की तादाद में भीड़ पे आते हुए और किसी सोशल मसले के ऊपर, कोई सामाजिक मसले के ऊपर एहतजाज करते हुए मैंने आज तक नहीं देखा। आपकी या तो पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं या फिर मोमबत्ती लेके वही 100-200 इंटेलेक्चुअल्स कराची प्रेस क्लब के आगे पीछे या लाहौर प्रेस क्लब के आगे पीछे घूमते, फिर चुप होकर घर चले जाते हैं, वाइन एंड डाइन करते हैं, सो जाते हैं। दोस्तों बहुत एक सोचने वाली बात है, आपके मोटरवेज गिरवी रख दिए, आपके फ्रीवेज गिरवी रख दिए, आपके बिल्डिंग्स गिरवी रख दी, ठीक है, आपके एयरपोर्ट्स हैं, आपके इस्लामाबाद लाहौर कराची के एयरपोर्ट गिरवी रख दिए, आपके F9 इस्लामाबाद का पार्क गिरवी रख दिया। और ये तो छोटी बात है, आपकी गैरत, आपकी इज्जत भी गिरवी रख दी। मैं आपने किस मुल्क में ऐसा देखा है, आपने किस मुल्क में ऐसा देखा है ऐसे होते हुए। ये मलेशिया ने 2002-2003 में सुकूक बॉन्ड्स निकाले थे अपने, अब बोला था कि साहब हम इतनी ज़मीन गिरवी रखेंगे और इस पर हम आगे काम बढ़ाएंगे, क्योंकि इस्लामिक है। इस्लामिक कैसे भाई, क्योंकि इसमें ब्याज नहीं है, इसमें सूद नहीं है। तो बोला साहब बहुत बढ़िया, इस्लाम का हवाला लेके, इस्लाम के पीछे आड़ लेके और फायरिंग शुरू कर दी साहब इन लोगों ने। अच्छा, आप लोगों ने सीखा बहुत जल्दी और आपने अपने पूरे कौमी असासे चीनियों के कदमों पर रख दिए, और इस हमाम में सब नंगे हैं दोस्त, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो परवेज मुशर्रफ हो, और अब मर्द मोमिन मर्द हक हैंडसम इमरान खान हो, सब एक जैसे हैं। आप लोगों को लानत है अल्लाह की कि आपको ऐसे हुक्मरान मिलते हैं। सब कुछ बेच दिया, आपके मुल्क में कुछ बाकी नहीं रहा, या तो बेच दिया या फिर उसको गिरवी रख दिया। अच्छा, वो पैसे कहाँ गए, पैसे कहाँ गए? बड़ा बड़ा ऐलान होता है आपके टेलीविजन सेट्स पे कि मैं कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमें $2 बिलियन का लोन मिला है। कर्ज मिलने पर कोई मुबारकबाद पेश करता है? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कर्ज मिल गया आपको, आप खुश हो गए कि साहब हमें कर्ज मिल गया है? आपको पता है कि हर एक पाकिस्तानी बच्चा जब पैदा होता है तो 2 या 3 लाख रुपए का मकरूज है वो, जिस दिन वो पैदा होता है बच्चा, एक दिन का बच्चा कर्ज में डूबा हुआ है। और ये आपके हुक्मरानों ने कर लिया और खुद कर्ज लेके आपको छोड़ दिया कि आप वापस करेंगे, और वो चला गया। इमरान खान बड़ी बातें करता था एहतसाब की, टांग दूंगा सड़कों से और इनको जो भी करप्ट होंगे उनको निकाल दूंगा। अब क्या हुआ, इमरान खान की कैबिनेट में सबके सब तो चोर भरे हुए हैं अभी, लेकिन आप लोगों ने फिर आवाज़ नहीं उठाई। आप लोगों ने दोस्तों कभी आवाज़ नहीं उठाई। आप 1971 में आपका मुल्क दोलख्त हो गया, आपने तब आवाज़ नहीं उठाई। ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, आपने तब आवाज़ नहीं उठाई। 30 लाख बंगाली मार दिए और 10 लाख बंगाली औरतों का रेप हुआ, उनके साथ ज़बरदस्ती हुई, तब आपने आवाज़ नहीं उठाई। फिर आप कहते हैं आप जिंदा कौम हैं, आप जिंदा कौम नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि इंसान और दुम्बे में फ़र्क होता है, और ये फर्क आपको पहचानना बहुत जरूरी है दोस्तों। देखिए, जो कौमी असासे होते हैं वो सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, ये कौमी गुरूर होता है, ये इस पर फख्र करती है कौम। पर आपने कभी सवाल नहीं पूछा, कल ये लोग मीनार पाकिस्तान गिरवी रख देंगे, आप कुछ नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। चीन उसको उठा के क्या करेगा? चीन F9 इस्लामाबाद में जो पार्क है, जो गिरवी रखा है, उसको उठा के चाइना तो ले नहीं जाएगा, जमीन तो आप ही के पास रहेगी वो, लेकिन वो जमीन जो है वो चीन को आपने गिरवी रख दी।
पूरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, जो इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी आपके मुल्क के लिए, बस हिंदू की साजिश, यहूदी की साजिश। हमारी मुकद्दस किताब कुरान शरीफ में ये लिखा है, इसलिए इसकी साजिश है, उसकी साजिश है। अरे कभी अपने हुक्मरान से भी पूछ लो, उन्होंने क्या कर रखा है। आसिम सलीम बाजवा, जिसका हम लोगों ने वीडियो के थ्रू एक्सपोज करा था, मेरा वीडियो था डिफेंसिव ऑफेंस पे, आसिम सलीम बाजवा से ये पूछिए कि वो है कहाँ अभी, उसके बच्चे कहाँ पे अभी। और दीजिए ना 4-5 जर्नलों के नाम जिनके बच्चे पाकिस्तान में नौकरी कर रहे हों। हाँ, अगर वो फौज में है तो अलहदा बात है, अगर वो बहुत सीनियर पोजिशन में ब्यूरोक्रेसी में हैं या कहीं और हैं तो अलहदा बात है, लेकिन अगर वो सरकार के साथ नहीं है किसी सीनियर पोजीशन में, तो उनके बच्चे हैं कहाँ पे? ज़रा बताइए, 2-4-5 नाम हमें भी बताइए। और कमेंट्स में ना पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान पैंदाबाद लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि आप कभी अपनी फौज से सवाल नहीं पूछेंगे, और उसका कारण है, उसकी वजूहात हैं। जो आप पे तशद्दुद करता है वो आपका हीरो है, जो आपको मारता है, जो काटता है, जो आपके खून बहाता है वो आपका हीरो है। जैसे कि आपकी मिसाइलों का नाम अब्दाली, बाबर, ऐसे ऐसे नाम हैं आपके। अब्दाली था कौन? अब्दाली वो गुंडा था, वो डकैत था, जो पंजाब से आया था, और जो भारत का पंजाब है, जिसको आप लोग ईस्ट पंजाब बोलते हैं, और आपका पंजाब जो कि वेस्ट पंजाब है, वहां पे इतनी कत्लोगारत करी उन्होंने, वो आपका हीरो है। उसने औरतों के साथ ज्यादती करी, बच्चों की गर्दनें उड़ा दी, बुजुर्गों को नहीं छोड़ा, जवान लोगों के सर काट काट के उसके पहाड़ बना दिए, मुसलमानों के, हिंदुओं के, लेकिन वो आपका हीरो है। हर एक इंसान ऐसा हीरो है जो आके कत्लोगारत करता है, और आप उसी के अंडर में रहते हैं, आप उसी के काबू में रहते हैं जो आपका खून बहाता है। और इन लोगों ने करा क्या? आपकी रियासत ने, ये नाम निहाद रियासत है मदीना, जो इमरान खान बोलता रहता है, आपको, जिसको मैं कहूंगा एक एक वेपनाइजेशन ऑफ द पीपल, आपका माइंडसेट, आपका दिमाग ऐसा कर दिया आपकी फौज ने इस रियासत मदीना में, कि आप खुद के अपने बच्चों को, खुद के अपने बच्चे जो हैं आपके, जो आपका खून है, उसको लड़ाई झगड़े के लिए पेश करने से आप कतराते नहीं हैं। कितने पाकिस्तानी बच्चे हैं जो सुसाइड बॉम्बर बन रहे हैं, जो सो कॉल्ड जिहाद फी सबीलिल्लाह की लड़ाई कर रहे हैं? पर जिहाद है किसकी जिम्मेदारी? वो तो दीनी फरीदा है ना आपका, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। और पाकिस्तानी फौज जो है, पाकिस्तानी फौज का तो नारा है ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह, पाकिस्तानी फौज क्यों नहीं लड़ रही है जिहाद, एक बात बताइए? पाकिस्तानी आर्मी क्यों नहीं लड़ रही है जिहाद? ये आप ही लोगों ने ठेका ले रखा है। पाकिस्तानी फौज जो है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, आप दोनों को अल्लाह के नाम पे और मजहब के नाम पे चूरन खिला दिया, आपको नशा आ गया, आप लोगों ने अपने बच्चे भेजना शुरू करे कश्मीर। अरे पाकिस्तानी फौज में इतना दम है तो पाकिस्तानी फौज से बोलिए ना, तुम क्यों नहीं हमला करते, तुम्हें किस दिन के लिए, मोटे मोटे पेटों वाले जो आपके हैं, बड़ी बड़ी मूछों वाले, इनको क्यों पाल रखा है, ये किस दिन के लिए, कौन से मेडल पहनते हैं अपनी छाती में? उससे कहो ना हिंदुस्तान के साथ जंग करें, बड़े गाजी मुजाहिदीन और पता नहीं कैसे कैसे आपने नाम दे रखे हैं शायराना, इनसे बोलिए, आपके रगों में जहर घोल रखा है ISPR ने। पुराने जो ISPR के DG थे, उनके कुछ बच्चे पढ़ते हैं जर्मनी में, सेटल्ड हैं, और कुछ बच्चे उनके हैं लंदन में। और खुद जनाब एक डिव कमांडर, आप बात बताइए मुझे, छोटी सी बात, उनके बच्चे पाकिस्तान में क्यों नहीं है? मैं बाहर भेजने को मैं गलत नहीं मानता, हिंदुस्तान में भी ऐसे कई लोग हैं जिनके रिश्तेदार बाहर हैं, तो बाहर किसी को भेजना, सेटल डाउन करना, पढ़ना, जॉब करना विदेश में या बाहर किसी मुल्क में जाके, वो कोई बुरी बात नहीं है, करना भी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में कोई रहना नहीं चाहता, मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूं, कोई नहीं रहना चाहता, आपका कोई जर्नल का बच्चा है ही नहीं पाकिस्तान में। आसिम सलीम बाजवा का खुद का लड़का, जब तक CPAC के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे मोटे मोटे, जब तक बलूचिस्तान में माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे, जब तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के धंधे चल रहे थे, इसमें इंपोर्टेड 3-3, 5-5, 4-4 करोड़ की गाड़ियां आ रही थी, तब तक पाकिस्तान में था। जब CPAC में ताला लगा भाग गया अमेरिका, उसने बोला गंदे काले बदबूदार लोगों के बीच में मुझे थोड़ा ना रहना, मैं अमेरिका में रहूंगा, वो पिज्जा बेच रहा है वहां पे, कौन है? मैं जानना चाहता हूं आपसे, आप जरा बताइए मुझे, मेरी भी आंखें खोलिए, मुझे झूठा साबित करिए। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, जो मेरे पाकिस्तानी भाई और बहन ये वीडियो देख रहे हैं,
मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, मैं खुला आपको चैलेंज दे रहा हूं। आप जरा बोलिए ना मेजर साहब, आप झूठ बोल रहे हैं। और ये जो जिहाद है कश्मीर में, मैं ये भी चाहता हूं कि कोई तो जर्नल का बच्चा आए जो जिहाद लड़े कश्मीर में, कुछ तो हमें भी लगे कि हाँ जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद, कुछ तो करो। ये गरीब का बच्चा ही जिहाद करेगा, जो पाकिस्तानी गरीब है, रेड़ी वाला, दुकान वाला, रिक्शे वाला, उसी का बच्चा जिहाद करेगा। अजमल कसाब जो इंडिया में आया था, इतना कत्लो गारत करी थी उसने मुंबई में, वो तो गरीब घर का बेटा था अजमल कसाब, यहाँ पे उसको फांसी लग गई इंडिया में आके। लेकिन जिन जर्नैलों ने अजमल कसाब को भेजा था, उनके बेटे कहाँ? उनके बेटे तो जर्मनी में बैठे हैं, इंग्लैंड में बैठे हैं, कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वो मज़े कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग सवाल नहीं पूछते और आप लोग कभी सवाल पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि आपके अंदर इतनी नफरत भर दी गई है, वेपनाइज कर दिया। मैंने बोला था ना, वेपनाइजिंग ऑफ एन एंटायर पॉपुलेशन, आपका दिमाग ऐसा कर दिया है, नफरतों से भर दिया है, कि आप अपने बच्चे, अपने नाती पोते, उनके बच्चे, उनके नाती पोते आप भेजते रहेंगे इस सो कॉल्ड जिहाद में। दुनिया भर में पाकिस्तानी जाते हैं, खबर आती है लंदन से, चाकू मार दिया किसी को, कौन? पाकिस्तानी। कनाडा में कुछ हो गया, कौन? पाकिस्तानी। फ्रांस में कुछ, कौन? पाकिस्तानी। यूरोप के किसी भी शहर में कुछ हो गया, पाकिस्तानी। ऑस्ट्रेलिया में कुछ हो गया, पाकिस्तानी। आपकी कौम ने दुनिया को कभी अच्छी खबर नहीं दी, एक अच्छी खबर नहीं दी। क्यों? क्योंकि आप, और गलती आपकी भी नहीं है, आपको ऐसा बना दिया है आपकी फौज ने, आपकी डीप स्टेट ने, आपका जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने आपको बोल बोल के ऐसा बना दिया कि तुम ही मुजाहिद हो और सारा जिहाद का जो दारोमदार है तुम्हारे कंधों पे है। हमारे बच्चे वो कनाडा, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया में जाके ऐश करेंगे, अमेरिका में पिज्जे खाएंगे, तुम मरो, तुम अपनी गर्दनें कटाओ यहां पे, क्योंकि जिहाद की जिम्मेदारी तो पाकिस्तानी गरीब की है, जो अमीर है। बताइए ना, कौन सा पाकिस्तानी बड़ा एंकर है जो इतनी आग उगलते हैं टीवी पे, राइट, इंडिया के खिलाफ? बताइए ना, कौन है जो गया है? बताइए जरा, एक का नाम तो बताइए कि साहब ये बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तानी नाम, ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा जर्नल है, बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट है, बहुत बड़ा जज है, बहुत बड़ा वकील है साहब, अरबपति आदमी है, बिल्डर है, ठेकेदार है, बहुत रईस आदमी है, पर वो साहब इतना अच्छा मुसलमान है, इस्लाम को इतना पक्का मानने वाला है, अल्लाह और रसूल को इतना फॉलो करता है वो, कि उसने अपना इकलौता बेटा भेज दिया, जाओ बेटा इंडियन आर्मी से तुम कश्मीर में जिहाद करो। एक आध का नाम तो बताइए, हमें भी तो मौका दीजिए आपसे माफी मांगने का, कि आप ही लोग माफी मांगते फिरेंगे पूरी दुनिया से। हमें भी तो मौका दीजिए कि साहब मैं मेजर गौरवारी आपसे ये बोलूं कि साहब मुझसे गलती हो गई, और हाँ आपके वो दो तीन जनरल हैं जिनके बेटे कश्मीर में कोट अनकोट शहीद हुए हैं, जो बहुत बुरी इंडियन आर्मी है उससे लड़ते हुए शहीद हो गए कश्मीर, हमें भी तो मौका दीजिए जरा, हम भी तो कुछ बोलें। मैं चाहता हूं कमेंट्स में लिखिएगा जरूर कि हमारे वो जनरल का बेटा मरा कश्मीर में, जरा हमें भी तो बताइए, वरना फिर मैं वही बात कहूंगा, क्योंकि आप लोग बोलते नहीं हैं और फिर कहते हैं जिंदा कौम है। नहीं, इंसान और दुम्बे में फर्क होता है। तो दोस्तों आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आपके मुल्क में चोरी कैसे हुई है, क्यों हुई है और किसने करी है। रेडी, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अब F9 इस्लामाबाद में एक पार्क है, बहुत बड़ा, लोग जाते हैं वहाँ पे, बच्चे खेलते हैं, बुजुर्ग टहलते हैं, जवान लोग वहाँ पे जॉगिंग वगैरह करते हैं, बहुत एक खुशनुमा सा माहौल रहता है वहाँ पे। उसको आपके वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उसको गिरवी रख दिया और बोला कि साहब गिरवी रख के हम इससे पैसे कमाएंगे, पैसे लेंगे, बॉन्ड बेचेंगे, जो भी करेंगे, ये कर दिया। इसके अलावा आपका जो लाहौर टू कराची का आपका मोटरवे है, वो पूरा का पूरा मोटरवे गिरवी रखा हुआ है, ठीक है साहब। और भी आपके अन्य मोटरवे हैं कई सारे पाकिस्तान में, जो आपकी ज़मीन है आपने चीनियों को गिरवी रख दी है, ठीक है। अब आपका कराची का एयरपोर्ट, जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आपका इस्लामाबाद का एयरपोर्ट, आपका लाहौर का एयरपोर्ट, ये तीनों के तीनों एयरपोर्ट आपके गिरवी हैं। आप लोगों ने जिस टर्म्स एंड कंडीशन में PIA के जहाज लिए थे, इस वक्त जिस टर्म्स एंड कंडीशन में आपने ले रखे हैं, आपने लीज पे ले रखे हैं, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी हैं कि आप ये मान के चलिए कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस भी एक किस्म से गिरवी है। गिरवी सही लफ्ज नहीं है इसको समझाने का आपको, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप आसानी से समझ जाएं। आप ये मान के चलिए कि PIA भी आपका गिरवी है। आपके जितने भी कौमी असासे हैं धीरे 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 ये गिरवी रखते चले जा रही है आपकी सरकार, इमरान खान की PTI की सरकार। अब मैं आपको और असासे बताता हूं आपके कौमी कौन कौन से गिरवी हैं। तो हाँ
हाँ जी गाइस, जैसे कि आपने देखा वीडियो तो पूरा का पूरा ख़त्म नहीं हुआ। हमेशा की तरह जैसे कि मैंने आपको आगे ही कहा था, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, 13 मिनट से भी ऊपर का वीडियो है। तो अगर एक ही बार में इस वीडियो को रियर किया जाए तो आप लोग भी बोर हो जाओगे और मुझे भी यार आधे घंटे तक ऐसे बढ़ने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि मेरा अभी अभी सर्जरी हुआ है। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर भाई है उन सभी को पता होगा, तो मैंने ना चाहते हुए भी और भी इसका आगे का पार्ट देखने का मन था, लेकिन दिल को रोक कर यहीं पर वीडियो पुश करना पड़ा। इसके आगे वाला जो पार्ट होगा, इसके आगे वाला जो वीडियो होगा, मैं वो अगले पार्ट में आपको रिएक्शन करके पेस्ट कर दूंगा। तो बात करते हैं हमने इस वीडियो में जितना भी पार्ट देखा उतने पार्ट के बारे में। यार मुझे मेजर गौरव आर्या जी का जो वर्ड है ना, वो 100% राइट लगा, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा जैसे कि बड़े बड़े मिलिट्री के बेटे हो गए, गवर्नमेंट पोस्ट के लोग जो है उनके बेटे हो गए, वो तो अपने बेटों के अय्याशी कराने के लिए अमेरिका भेज देते हैं, जर्मनी भेज देते हैं, बड़े बड़े कंट्री पर भेज देते हैं। लेकिन जो आम पाकिस्तानी है उनको आतंकवादी बनाया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है और उनको काफ़ी सारे शहरों में भेजा जाता है बम बारूद फैलाने के लिए। तो उनका असर क्या होता है वो आप सभी को भी पता है और मेरे को भी पता है यार। तो एक बात मैं यहाँ पर छोटा सा पाकिस्तानी भाइयों को मैसेज देना चाहता हूँ, अगर आपका कंट्री कोई भी अच्छा काम करे ना तो उस पर ताली ज़रूर बजाओ। यार मैं ये नहीं कहता कि ताली मत बजाओ, लेकिन आपका कंट्री कोई भी बुरा काम करे ना तो आप इतना हिम्मत रखो, आप इतना इंसानियत रखो कि आप अपने कंट्री के गवर्नमेंट पर उंगली उठा सको आपने क्यों ऐसा किया कहकर। लेकिन कितने सारे पाकिस्तानियों को आजकल हम देखते हैं, अगर पाकिस्तान को भी वो चाइना को भेज देना तो पाकिस्तानी लोग ये कहेंगे कि हाँ हाँ हमारे गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया। तो ये ऐसा मत करो यार। और आपके गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन पूछो, जैसे कि मेजर गौरव आर्या जी ने कहा है, आपके गवर्नमेंट से आप ये पूछो कि क्यों हमेशा ही गरीब पाकिस्तानी मारा जाता है, क्यों आपने आपने अपने बेटों को बॉर्डर पर नहीं भेजा, क्यों आपने अपने बेटों को पाकिस्तान में नहीं रखा, क्यों आपने अपने बेटों को अय्याशी करने के लिए बाहर रखा है, क्यों आपने अपने कंट्री के बेटे को बाहर भेजकर अपने गरीब लोगों को, पाकिस्तानी लोगों को मजदूर बनाकर रखा हुआ है, क्यों आप अपने कंट्री को चाइना के हाथे बेच रहे हो। ये अगर आप एक सच्चे पाकिस्तानी हो ना तो आप अपने कंट्री से, कंट्री के गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन जरूर करना यार। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय नेपाल, जय हिंद।